يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك بسم الله الرحمن الرحيم तौबा का अजीब वाकिया। बसरा में एक इंतहाई हसीन व जमील औरत रहा करती थी। लोग उसे शवाना के नाम से जानते थे। ज़ाहिरी हुस्न व जमाल के साथ साथ उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से वो गायकी और नोहागिरी में मशहूर थी। बसरा शहर में खुशी और गमी की कोई मजलिस उसके बगैर अधूरी तसव्वुर की जाती थी। यही वजह थी कि उसके पास बहुत सा माल और दौलत जमा हो गया था। बसरा शहर में फिस्को फजूर के हवाले से उसकी मिसाल दी जाती थी। उसका रहन सहन अमीराना था। वो बहुत कीमती लिबास अपने बदन पर पहनती और बहुत से जेवरात से बनी सवरी रहती थी। एक दिन वो अपनी रूमी और तुर्की कनीज़ों के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसका गुज़र हज़रत साले अलैहि रहमा के घर के करीब से हुआ। आप अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल के बरगुज़ीदा बंदों में से थे। आप बाअमल आलिम दीन और आबिद ज़ाहिद थे। आप अपने घर में लोगों को वाज़ इरशाद फरमाया करते थे। आपके वाज़ की तासीर से लोगों पर दिक्कत तारी हो जाती और वो बड़ी ज़ोर और ज़ोर से आहो बका शुरू कर देते और अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल के ख़ौफ से उनकी आँखों से आंसुओं की जड़ियाँ लग जाती। जब शेवाना नामी वो औरत वहाँ से गुज़रने लगी तो उसने घर से आहो फगा की आवाज़ें सुनी। आवाज़ें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपनी कनीज़ों से कहने लगी, ताज्जुब की बात है कि यहाँ नोहा किया जा रहा है और मुझे उसकी खबर तक नहीं दी गई। फिर उसने एक खादिमा को घर के हालात मालूम करने के लिए अंदर भेज दिया। वो लौंडी अंदर गई और अंदर के हालात देखकर उस पर भी खुदा अज़्ज़ा वजल का खौफ तारी हो गया और वो वहीं बैठ गई। जब वो वापस न आई तो शावाना ने काफ़ी इंतज़ार के बाद दूसरी और फिर तीसरी लौंडी को अंदर भेजा, मगर वो भी वापस न लौटी। फिर उसने चौथी खादिमा को अंदर भेजा, जो थोड़ी देर बाद वापस लौट आई और उसने बताया कि घर में किसी के मरने पर मातम नहीं हो रहा, बल्कि अपने गुनाहों पर आहो बका की जा रही है। लोग अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के खौफ से रो रहे हैं। शावाना ने यह सुना तो हंस दी और उनका मजाक उड़ाने की नीयत से घर के अंदर दाखिल हुई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो ही वो अंदर दाखिल हुई, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसके दिल को फेर दिया। जब उसने हज़रत साले अलैहि रहमा को देखा तो दिल में कहने लगी, अफसोस, मेरी तो सारी उम्र ज़ाये हो गई। मैंने अनमोल ज़िंदगी गुनाहों में अकारत कर दी। वो मेरे गुनाहों को क्यों कर माफ़ फरमाएगा। उन्हीं ख्यालात से परेशान होकर उसने हज़रत साले अलैहि रहमा से पूछा, ए इमामुल मुस्लिमीन, क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल नाफरमानों और शरकसों के गुनाह भी माफ़ फरमा देता है? आपने फरमाया, हाँ, ये वाज़ व नसीहत और वादे वईदों से सब उन्हीं के लिए तो हैं ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाए। उस पर भी उसकी तसल्ली न हुई तो वो कहने लगी, मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों और समंदर की झाग से भी ज़्यादा है। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, अगर तेरे गुनाह शावाना से भी ज़्यादा हों तो
تو بھی اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت میں ہی وہ شعوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گنا قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دی۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گنہگاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ حوالہ حکایت الصالحین۔ اللہ پاک ہم تمام کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔